सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस फॉर यूनिएक्सियल केस। इस वीडियो को हम थोड़ा उसी को फर्दर मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर कोई कंपोनेंट आपका किसी रैंडम लोडिंग से सब्जेक्टेड है तो आपके इंटरनल स्ट्रेसेस किस तरीके से आपके फॉर्म करते हैं या रीओरियंट करते हैं इटसेल्फ को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस के बारे में। देन हम स्ट्रेस इन ए बार यूनिएक्सियल केस का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे विजुलाइजेशन के थ्रू, और फाइनली एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी एक कंपोनेंट ले लें, तो मैंने जैसे इलिप्सॉइड लिया है, आप कोई भी कंपोनेंट एज्यूम कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई लोडिंग लगी हुई है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, तो जो भी रेड कलर से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे रेड कलर वाले जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल लोडिंग सिस्टम पे लग रही है। तो इस केस के लिए मैंने सिर्फ एक लोडिंग यूज किया है, कंसंट्रेटेड लोडिंग। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका यूडीएल भी एक्ट कर सकता है, कोई मोमेंट भी एक्ट कर सकता है, या किसी भी अलग टाइप की लोडिंग जो होती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग एक्ट कर सकती है। तो इस केस की बात करें तो सबसे पहले अगर मुझे अगर किसी एक रैंडम पॉइंट क्यू पे देखना है, जो पॉइंट क्यू इस मटेरियल जो स्ट्रक्चर लिया है उसके किसी इंटरनल पोजीशन पे लोकेटेड है, तो हम क्या करेंगे कि एक पहले तो क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो रेड ये वाली जो एक्सिस है इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये वाली एक्सिस वाई है और ये जेड है। तो जो रेड कलर से जो डिनोटेड है वो एक्स एक्सिस है, जो कैन कलर से डिनोटेड है वो वाई है, और ब्लू से है सो जेड है। तो अगर हम एक वाई जेड प्लेन से इस पूरे कंपोनेंट को कट करें, जस्ट टू विजुलाइज दैट किस पॉइंट पे वो किस लोकेशन पे वो पॉइंट सिचुएटेड है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक प्लेन वाई जेड प्लेन से इसको कट किया, तो ये कोई पॉइंट है क्यू जहाँ पे कुछ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट करेगा, क्योंकि अब क्या है कि जैसे ही मैंने इसे कट किया तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यहाँ पे कुछ फोर्सेस की जरूरत होगी, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई इक्वल टू जीरो, एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग जेड इक्वल टू जीरो। इन एडिशन टू दैट मोमेंट्स जो होंगे, तो मोमेंट आई में बोल रहा हूँ इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू वन टू थ्री जाएगा, और वन इज एक्स एक्सिस, टू इज वाई एक्सिस, जेड इज थ्री इज जेड एक्सिस। तो आप बस यहाँ पे ये रिमेंबर रखिए कि टोटल जो आपके मोमेंट्स हैं और फोर्सेस हैं वो जीरो होना चाहिए, जिसके कारण इस पे कुछ इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। तो अगर उस इंटरनल फोर्सेस को देखें तो इंटरनल फोर्सेस कुछ इस तरीके के होंगे, तो ये फोर्स जो है ये आपका एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स वाई डायरेक्शन में, और ये फोर्स जेड डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पे अगर हम ये देखें इस सर्फेस पे, तो ये जो येल्लो वाला फोर्स है ये किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इट इज डायरेक्टेड समथिंग नॉर्मल टू दिस सर्फेस। तो अगर ये नॉर्मल टू द सर्फेस है तो ये मुझे कौन सा स्ट्रेस देगा, नॉर्मल स्ट्रेस। सिमिलरली ये जो दो एरोज हैं जो कि टेंजेंशियल टू द सर्फेस हैं, ये दो एरोज मुझे कौन से स्ट्रेसेस देंगे, सियर स्ट्रेस देंगे। इट मींस कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी रैंडम लोडिंग से सब्जेक्टेड है और अगर हम उसको कट करते हैं किसी प्लेन पे, तो डिपेंडिंग अपॉन जो फोर्सेस वहां जनरेट हो रहे हैं उस फोर्सेस के कारण उस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस वहां जनरेट हो सकते हैं। ओके, अब अगर मैं उसी सेक्शन का ये जो था ये क्या था कि अगर मैं लेफ्ट व्यू देखूं, ओके, और ये अगर राइट व्यू देखूं, तो लेफ्ट और राइट व्यू अगर मैं देखता हूं तो दो जो फोर्सेस हैं वो दो क्या है, पहली चीज जो नोटिस करने वाली है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे आप येलो वाले कलर वाले फोर्स पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो लेफ्ट व्यू के लिए आपका जो फोर्स क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, जबकि राइट व्यू के लिए आपका फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली जो सियर फोर्सेस हैं उसके डायरेक्शंस भी आप देख सकते हैं। नाउ अगर इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्लेन को अगर हमने कट किया है तो इसका मतलब है कोई एक एलिमेंट वहां पे लोकेटेड होगा, और उस एलिमेंट के दोनों साइड के फोर्सेस जो होंगे, जैसे ये लेफ्ट व्यू हो गया और ये राइट व्यू हो गया, और ये डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो की बात होती है यहाँ पे। तो अभी इसमें बात ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बस इतना याद रखिए अगर प्लेन का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड व्यू अगर आप करते हैं कट, तो वो दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। नाउ इसी जगह पे अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं, एज्यूम करूं कि एक क्यूबॉइड, इसी पॉइंट पे अगर मैं एज्यूम करूं कि इस चीज को एक्सटेंड करके कि एक क्यूबिकल सेक्शन मैंने कट आउट करके आइसोलेट कर दिया, तो आइसोलेट जब मैंने किया तो उस पे क्या होगा कि स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ये फोर्स क्या कर रहा है कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस दे रहा है,
और इन दो फोर्सेस के कारण शियर स्ट्रेस आ रहे हैं। ओके, अब अगर इसी पूरी बॉडी को मैंने किसी एक इस प्लेन से कट कर दिया, जो प्लेन आपका किस में है, एक्स वाई एक्सिस पे है और लोकेशन उसका क्यू है, तो उसके कारण क्या होगा कि एक वर्टिकल फोर्सेस आएंगे और दो टेंजेंशियल फोर्सेस आएंगे। उस वर्टिकल फोर्सेस के कारण जो स्ट्रेसेस आएंगे वो इस डायरेक्शन में आएंगे और टेंजेंशियल के कारण ये दो स्ट्रेसेस आएंगे। सिमिलरली अगर आप इसको कट करते हैं एक्स जेड प्लेन से, तो एक्स जेड प्लेन के कारण क्या होगा, एक आउटवर्ड टू दिस आपको फोर्स मिलेगा, जो आउटवर्ड फोर्स आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं स्क्रीन से बाहर आता हुआ फोर्स, तो उसके कारण आपका स्ट्रेस ये मिलेगा और दो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस मिलेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम ये टोटल सम करें तो टोटल जो कितने फोर्स स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में जो स्ट्रेसेस होंगे वो इसके इक्वल होंगे बट रीडायरेक्टेड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं इसको 2D में बात करूँ, तो अगर ये फ्रंट व्यू लेके तो कुछ स्ट्रेस इधर अगर एक्ट कर रहा है तो सेम स्ट्रेस जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर कोई बॉडी फोर्स जीरो है, तो अभी बस इतना यह ध्यान रखिए कि बॉडी फोर्स इस केस के लिए हमने जीरो एज्यूम किया है। लाइक अगर ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई और स्ट्रेसेस जो आपका एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बॉडी फोर्स वेरी कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका जो केस है, इस केस के लिए जो हमने बात किया था, ये अपोजिट फेसेस पे सेम फोर्सेस एक्ट करेंगे, सेम स्ट्रेस एक्ट करेंगे बट रिवर्स डायरेक्शन में, इसके कारण हमने उसको प्लॉट नहीं किया है। नाउ यहाँ से अगर काउंट करें, हर फेस पे तीन डिस्टिंक्ट स्ट्रेसेस हैं, तो तीन 3×3 टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी हम एलिमेंट की बात करें या फिर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर हम पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट जो है एक तरह से क्यू है, वो पॉइंट आपके मिडिल ऑफ दिस क्यूबॉइड लोकेटेड है। नाउ अभी इस पॉइंट पे हमने एक स्टेटमेंट दिया कि 9 स्ट्रेस इंडिविजुअल स्ट्रेसेस होते हैं और वो डिस्टिंक्ट है, मीन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्योंकि एक्चुअल में जब हम किसी भी बुक को देखते हैं तो वहां क्या रहता है कि 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस होते हैं। उसका रीजन क्या है कि आपके जो शियर स्ट्रेस होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि जैसे ये जो स्ट्रेस है ये आपका अगर जैसे इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मैं यहाँ पे आपको नोटेशंस जो जैसे यूज करने वाले हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं सिग्मा एक्स एक्स लिख रहा हूं, तो इस एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स बता रहा है प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो जैसे इस केस के लिए तो ये एक्स है, तो मैंने प्लेन जो लिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो जो भी स्ट्रेस मैं इधर इसके लिए डिनोट करूंगा उसमें पहला जो इंडाइसिस आएगा वो एक्स आएगा, दूसरा जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर ये येलो वाले की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, और ये जो दो डायरेक्शन है ये वाला स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई सॉरी एक्स जेड, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स वाई। सिमिलरली अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये आपका क्या है सिग्मा वाई वाई, ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा वाई एक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा सॉरी ये सिग्मा जेड जेड है और ये सिग्मा जेड एक्स है और ये आपका सिग्मा जेड वाई है। और उसी तरह से ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, ये वाला स्ट्रेस हो जाएगा आपका सिग्मा वाई जेड, और ये वाला हो जाएगा सिग्मा वाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया होगा कन्वेंशन मैं कैसे यूज करने वाला हूँ। नाउ अगर इसमें देखें तो इसमें पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं सारे फोर्सेस को क्लियरली। तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस है वो आपके क्या है 9 है। नाउ अगर यहाँ पे ये देखने गौर करने वाले जस्ट फिगर से देखने पे ये चीज है कि जो दो शियर स्ट्रेसेस हैं वो क्या है आपके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि इट्स लाइक अगर ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट फेस पे तो जस्ट उसके अपोजिट होगा, लेकिन ये दो जो प्लेन्स है ये दो प्लेन भी आपको सेम एक दूसरे के ही डायरेक्शन में वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। नाउ इस चीज को अगर हमको प्रूफ करना है, क्योंकि सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा जेड एक्स ये दो अगर हम प्रूफ करके देखें कि ये कैसे बिहेव करता है, तो अगर जैसे मैं ये कोई 2D ले लूँ, 2D क्रॉस सेक्शन उसी का फ्रंट व्यू, और वहां पे अगर मैं इस चीज को लेके सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा सिग्मा वाई एक्स, ये आपका सिग्मा वाई वाई, और ये भी सिग्मा वाई वाई सिग्मा वाई एक्स सिग्मा एक्स एक्स, और ये हो गया सिग्मा एक्स वाई। तो ये दो केसेस, ये दो साइड्स के तो क्लियर है,
कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बट इन डायरेक्शन की बात करें कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ओके तो कोई अगर हम एक पॉइंट इस पॉइंट पे अगर ले लेते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट जो सेंट्रोइड पे लोकेटेड है, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे पहला साइन कन्वेंशन अगर हम दें कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर हम मोमेंट लें, क्योंकि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ फोर्स वाला केस तो डायरेक्टली सेटिस्फाइड है। अगर समेशन ऑफ मोमेंट की बात करें कि वो किस केस के लिए आपका समेशन ऑफ मोमेंट जीरो हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो अगर मैं इस पूरे लेंथ को एज्यूम कर लूं कि ये ए है और ये भी लेंथ आपका टोटल ए है, तो जब मैं मोमेंट लूंगा तो मोमेंट कुछ इस तरीके से होगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन जेड एक्सिस है, इसको जीरो होना है। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल अगर हम देखें तो राइट हैंड रूल से आपका क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो जो वर्टिकल स्ट्रेसेस हैं, सी जो टेंजेंशियल टू द सरफेस है, सिर्फ वही स्ट्रेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सिस हैं ये हमने अज्यूम किया है कि डायरेक्टली इसके सेंट्रॉइड से ही उसकी जो एप्लीकेशन ऑफ द एरिया वाली लाइन होगी वो पास कर रही है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जीरो होगा। तो सिर्फ सिग्मा एक्स वाई कंट्रीब्यूट करेगा, तो सिग्मा एक्स वाई इंटू ए बाई टू, सिग्मा एक्स वाई इंटू ए बाई टू, इन दोनों साइड्स के कंट्रीब्यूशन आएंगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई एक्स। तो जो स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई एक्स, ये दूसरे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक प्लेन लीजिएगा, इस केस में मैंने कौन सा प्लेन लिया था, एक्स वाई प्लेन, अगर आप एक्स जेड प्लेन लेते हैं और वाई डायरेक्शन में, तो उस केस के लिए आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा जेड एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स जेड, और थर्ड के लिए अगर आपको मिल लेंगे, तो ये तीन स्ट्रेसेस जो हैं ये दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ये केस क्या है, अगर सिग्मा एक्स वाई इज पॉजिटिव, ओके, तो सिग्मा वाई एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर सिग्मा एक्स वाई इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसको भी पॉजिटिव ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मीन्स इट शुड बी डायरेक्टेड इनटू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके कारण आप देख सकते हैं ये दोनों एरोज एक दूसरे के टुवार्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, अवे कभी अप्रोच नहीं कर सकते। अगर अवे का अगर आपको कोई केस ऐसा अगर दिखता है तो कंप्लीट डायरेक्टली वहां क्वेश्चन में उस चीज को डायरेक्टली वो गलत है, वो सही हो ही नहीं सकता। ओके तो यहां से आपको अब क्या हो गया कि क्योंकि ये सिक्स स्ट्रेसेस जो इंडिविजुअल थे उसमें तीन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो फाइनली आपको टोटल सिक्स इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस मिलेंगे, सिक्स इंडिपेंडेंट स्ट्रेस। ओके आई होप यहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का जो बिहेवियर है वो आता है। ओके सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्ट्रेस इन यूनिएक्सियल बार, जो पिछली केस में अगर हमने देखा था, तो सबसे पहले अगर हम एक सिंपल यूनिएक्सियल बार ले और उसमें कोई फोर्स पी अगर अप्लाई करें, तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं कोई एक सेंट्रो क्यूबिकल एलिमेंट लेता हूं, तो यहां पे आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई ए, और सिमिलरली यहां पे पी डिवाइडेड बाई ए। नाउ इसी ब्लॉक को अगर हम रोटेट कर देते हैं किसी एक थीटा एंगल से, जब मैंने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया, इट अब इस पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ किस तरीके का हो रहा है, वहां पे आपका जो सेंट्रो फेस है उस फेसेस पे कुछ स्ट्रेस, जैसे इसको अगर मैंने सिग्मा टू मान लिया तो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन, और सिमिलरली यहाँ पे आपका टाउ वन टू, दिस इज ऑल्सो टाउ वन टू एंड दिस इज टाउ वन टू एंड दिस विल बी टाउ वन टू। ओके तो सीयर स्ट्रेस ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि आपने बॉडी को रोटेट कर दिया है, तो जब रोटेट कर दिया तो स्ट्रेसेस जो है वो कम्प्लीटली ओरिएंट कर जाते हैं और आपको जो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, क्योंकि हर फेस पे दो फोर्सेस आ जाते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछली बार डिस्कस किया था, जस्ट टू गिव यू एन ब्रीफ आइडिया कि यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो आपको क्या है कि क्यूबिकल फेसेस पे वो विथ चेंज इन ओरिएंटेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर जाता है। ओके अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एक रेक्टेंगुलर बार है जिसकी विड्थ डब्ल्यू है, वो सब्जेक्टेड है लोड पी से, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस एट एनी रैंडम प्लेन इज लिमिटेड टू सिग्मा वन एंड टाउ वन, व्हाट विल बी द मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर द बार।
तो पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था कि कोई भी अगर हम कट सेक्शन लेते हैं तो उसका सिग्मा एन क्या होता था, पी बाई टू ए वन प्लस कॉस टू थीटा। सिमिलरली टाउ होता था टी, दैट इज पी बाई टू ए साइन टू थीटा। नाउ अगर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ लिमिटेड हो गई है तो फर्स्ट कंडीशन के कारण, अगर फर्स्ट कंडीशन को देखें हम, तो फर्स्ट कंडीशन वो बोलता है कि ए मिन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी बाई टू सिग्मा एन वन प्लस कॉस टू थीटा। और अगर दूसरा केस माने, ये किसके कारण आ रहा है, फर्स्ट के कंडीशन के कारण, वन और टू बोल देते हैं और ये थर्ड है। फोर्थ इसके सेकेंड वाला जो केस है, क्योंकि सीयर स्ट्रेस भी हमने लिमिटेड कर दिया है, तो वो क्या होना चाहिए, पी बाई टू टाउ टी साइन टू थीटा। नाउ एक बार जब हमारे पास डाटा अवेलेबल है तो हम इन दो एरियाज को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एरिया होगा, जैसे इस केस की वैल्यू अगर ए वन मिल रही है और ए टू है, एंड हेयर ए टू इज ग्रेटर देन ए वन जो वैल्यू हमें मिली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि अगर मैं इस एरिया को लेता हूं तो ये वाला केस वायलेट हो जाएगा, तो हमें एरिया टू चूज करना पड़ेगा। तो एरिया टू जो है वो उसका करेक्ट एक एरिया होगा जिसपे अगर हम वो अप्लाई करते हैं वैल्यू, तो हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ एरिया क्या है इस केस के लिए, एरिया है आपका डब्ल्यू इंटू टी। सो टी मीन जो होगा वो हो जाएगा आपका एरिया टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। और यहाँ पे आप कोई भी डाटा अपने मुताबिक सब्स्टिट्यूट करके, या अगर इस टाइप का अगर सब्जेक्ट किसी को बुक में आपको प्रॉब्लम अवेलेबल है, तो लॉजिक तो यही है, इस लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप डाटा डाल के मिनिमम वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस, एंड इन केस इफ यू डोंट लाइक द वीडियो प्लीज टेल अस दैट वी कैन मेक द करेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।